समझ नहीं पाते थे गाने वाले बजाने वाले, वो समझते थे कि हमारी आवाज का बात कर रहे हैं हजरत अमीर खुसरो ने। बात तो आका की आवाज की है, उसी की सारी रोशनी है, सारी रोशनी मेरे आका की है। आहा कलम तराकत तो आईनी ना हुआ तुझसा हसी तेरी कसम तेरे बाद। आका ने फरमाया मैं कुन तो मौला फाजम अली मौला। हजरत अमीर खुसरो उसको सजा के आसान हम जैसे बेइल्म लोगों के लिए, रिंदों के लिए, फकीरों के लिए जिन्हें जबान का भी नहीं पता, लुगत का नहीं पता, उनको आसान करके बता रहे हैं इस रास्ते पे चलो। यह है वो रास्ता जो आका से आपका ताल्लुक जोड़ेगा। तो इसको हम कहने की कोशिश कर रहे हैं खाली सुदीलिया उस शाख की फरमाते हैं तेरा बाप मन की गिरी सुन के भाई सब तार तार रोम रोम सुन के मत है बात इतना क्या
चेहरा जो है वो आईना होता है दिल का, और मुझे आंख बताती है महफिल में, मुझे आंख बताती है कि ये क्या सुनने चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं और वो क्या सुन रहे हैं। हाँ जी, तवज्जो चाहूंगा, बस आपकी तवज्जो चाहूंगा। कहीं जिसको न भी मन सुनतो मौला रहमत लहनी, फरमाते हैं अली को देखना इबादत, अली का जिक्र इबादत। हाजी, क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है? अगर भूख लग रही है तो पहले आप लोग खाना खा लीजिए। जो मुझे तो वो एक आदमी चाहिए जिसकी वजह से ये महफिल मुनक्किद हुई है, वो आंख वो आंसू चाहिए वो मुझे सुन ले, जिसकी तड़प ने आका की मिलाद की, आका की चर्चे के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई है। उस एक आदमी की वजह से महफिल मुनक्किद होती है और हम सबको इसका फैज भी मिलता है। हम उसमें अपनी गोते लगाते हैं उस समंदर में। बुनी सूफी, बुनी सूफी, बुनी सूफी, बुनी सूफी, बुनी सूफी, बुनी सूफी, बुनी सूफी आदि हो बने सूफी, आदि हो
लाल शाबाश कलंदर फरमाते हैं, हैदरियम 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 कलंदरम मस्तम दाई मुर्तुदाली हस्तम तो सवाब मिलेगा, हाथ नीचे करोगे तो सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा है नहीं। बात यह है कि जिसकी भी आंख नम हो जाएगी सबके मेरे पार हो जाएंगे। एक आदमी की वजह से हम सबकी कश्ती पार लग सकती है। जिस दिल पे वो बात मैं कान से दिल तक पहुंचाने में कामयाब हो गया तो मैं भी कामयाब हूं, वो भी कामयाब। हजरत अंबर शाह वारसी कहते हैं, मर्द कलंदर तेरा उनवान अली है, मर्द कलंदर उनवान अली है, बोया जाएगा वही काटा जाएगा। दुनिया में उस बशर का मुकद्दर अजीब है, दुनिया में उस बशर का मुकद्दर अजीब है, अंबर जिसे आली की गुलामी नसीब है। शवासी कहते हैं, मन मन भजिर से हर दम अली 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 भजिर हो, अली मन भजिर से हर दम अली अली। अगर बच्चों का प्रोग्राम होता, कोई सूफी नाइट कॉन्सर्ट वगैरह होता, तो मैं कह देता कि यार तुम सब मिला मेरे आवाज के साथ आवाज मिला लो। लेकिन बात सूफिया की है, जो सूफी होते थे वो खड़े हो जाते थे, वो रक्स करते थे, हम मन हम मन हम मन हम मन हम मन भजिर से हरदम अली अली। हरदम अली अली। कुछ लोग कहते हैं कि आवाज ऊंची करने से काम हो जाता है। कोई आपकी जैसी महफिल में बैठा था, उन्होंने कहा आवाज ऊंची करने से काम नहीं होता, दलील को ऊंचा करना पड़ता है। ऐसा भी बात करोगे तो सबको समझ में आएगी, जरूरत नहीं है कि आवाज ऊंची की जाए, दलील आपकी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली का चेहरा देखना इबादत है ना। अब इससे बढ़ के मैं क्या दलील लाऊंगा। मन हम मन इस बात को
सोच के अल्लाह के दोस्त अल्लाह के वली रक्स करते अपने दिल में झांक झांक के देखते कोई और तस्वीर तो नहीं है। हम मन हम मन हम मन हम मन भजन से हर दम अली अली आपको आपकी आवाज भी आना चाहिए। अगर आप इन सदाओं को बुलंद नहीं करेंगे तो बराबर वाले हॉल वाले अपनी सदाओं को बुलंद करना शुरू कर देंगे। हमें अपनी आवाज को इतनी ज्यादा करनी है कि दूसरी आवाज को ना सुन सके कोई ना समझ सके, है ना। हम मेरे गुलाम मुस्तफा मेरा छोटा भाई है ये, मैंने तमीज बांधी मन भजने से हरदम अली अली, और इसने तमीज की तमीज को मिलाया है, इस तमीज को और आगे बढ़ाया है। कहीं कह रहा है कि मेरे दिल की लगन, मेरे दिल की लगन। जब पीछे वाले जो हैं वो मुझे लग रहा है इसी साल उम्र पे जाएंगे, अगर मेरी इस बात को समझ के मेरी बात के साथ मेरी अपनी आवाज को मेरे तक पहुंचाएंगे तो मेरे दिल की लगन। हाजी मौलवी साहब, आप जो हाथ मुंह पे रख के बैठे हैं आप आवाज निकाले, खाने की खुशबू आ रही है मेरे कानों में, लेकिन मुझे खुशबू से काम नहीं है, मुझे आपकी आवाज से काम है। एक दफा कह दें आप, मेरे दिल की लगन अली माला, हम सब मेरे दिल की लगन अली माला, मेरे दिल की लगन अली दरबार है गोडरा शरीफ। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं
منظر منظر فضائے دیر میں منظر فضائے سے مخفی نہیں یہ بات حضور اگر کچھ نظر نہیں آتا تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں آپ چشمہ لگوا لیں آپ کا نمبر چینج ہو جائے ہے نا حضور ایسے ہی نا ایک نظروں کو عنایت ہوتی ہے محبت سے وہ آنکھیں روشن ہو جاتی ہے جو میرا ہی بیٹا میری بات نہیں سمجھتا میں بوڑھا ہونے کے باوجود اس کو دیوار کے پیچھے کی باتیں بتاتا ہوں کہ تم یہاں جاؤ گے تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا یہ تجربہ یہ روشنی علم سے ملتی ہے اور علم کا منبع جو ہے علم کے شہر میں اگر داخل ہونا ہے تو دروازے سے جانا ہے آقا نے فرما دیا جو داخل ہوگا وہ علی کی محبت سے داخل ہوگا اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی وہ تحت السرا میں سدرت المنتہا تک کی سیر کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے حق بین حق شناسوں سے مخفی نہیں یہ بات حق بین حق شناسوں سے رسول ہے